हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल हिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको डिजिट दे रखी है विच इज -13। बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है उसके नीचे? 1। अगर मुझे बोला जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो मैं इसका रेसिप्रोकल फाइंड करूंगी, तो हम क्या करेंगे, -1 को ऊपर ले जाएंगे और 13 को नीचे ले जाएंगे। 13 के साथ क्या है? माइनस। तो -13 नीचे आ गया। मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस हो तो नहीं रखते हैं, हमेशा माइनस को आप न्यूमरेटर में ले आइए। तो इसका आंसर क्या होगा? -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा -1/13। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहे हैं? सेकेंड पार्ट है आपका बेटा -13/19। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका भी आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, नीचे वाली डिजिट ऊपर और ऊपर वाली डिजिट नीचे। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 19/-13। कभी भी नीचे माइनस नहीं आता, इसलिए होगा -19/13। समझ आया? नेक्स्ट है आपका 1/5। तो 1/5 को कैसे करेंगे हम? 1/5 को हम करेंगे, हम 5 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले जाएंगे। तो यानी कि 1/5 का जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 5/1, जिसको हम सिंपल 5 भी लिख सकते हैं। बेटा जरूरी नहीं होता कि आप नीचे 1 दिखाओ, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आपका है पार्ट जिसमें मल्टीप्लाई दे रखा है विच इज -5/8। ओके, तो लिखा है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। ठीक है, एक बार हम रीचेक कर लेते, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अब हमें करना क्या है, ऊपर की मल्टीप्लाई आप ऊपर से कर दीजिए, 5 3 15 -+ 8 7 56। ओके, अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि नीचे वाली डिजिट ऊपर और ऊपर वाली डिजिट नीचे। तो इसका क्या आएगा? 56/15, और यही क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका? इस डिजिट का। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है -1 × वेट अ सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट है आपका -1 × -2/5। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे? इसमें आप क्या करोगे, आप ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से करोगे और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से करोगे। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या होगा, 5 ऊपर और 2 नीचे। ओके, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस डिजिट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट -1। अब -1 को किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो हम लिख लेते हैं -1, ये हमारा 6th पार्ट होगा। तो -1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ऊपर -1 नीचे, हमने रेसिप्रोकल कर दिया। जब कभी भी नीचे माइनस होता है, मैंने आपको बताया कि ऊपर ले आइए, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1। तो यानी कि -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1। तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है। प्लीज फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंच जाए।